नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज चैनल। बताते चले, आंखें हैं अनमोल रतन, जिसकी रक्षा व सुरक्षा के लिए लगाया गया निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर। अयोध्या जनपद के विकास खंड तारुण क्षेत्र के ग्राम पंचायत ककराही के तुलसींगा में तारुण द्वितीय से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य हरीश चंद्र निषाद के सौजन्य से लगा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर। अयोध्या के फेको सेंटर के सहयोग से करीब 240 मरीजों का किया गया नेत्र परीक्षण, जिसके दौरान लगभग 4 दर्जन मोतियाबिंद के मरीजों को अयोध्या फेको सेंटर में ऑपरेशन हेतु ले जाया गया। जिला पंचायत सदस्य हरीश चंद्र निषाद ने बताया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति पर क्षेत्र के लिए 10 नेत्र चिकित्सा शिविर की अनुमति मिली है। ककराही गाँव में 6वां नेत्र चिकित्सा शिविर है। क्षेत्र की जनता से अपील है, अधिक से अधिक संख्या में आकर अपनी आंखों की जांच कराएं, डॉक्टर की सलाह अनुसार दवा लेकर आंख के रोगों से बचाएं। जो लोग समय अभाव के कारण इस कैंप में नहीं पहुंच सके हैं, वह आगे आयोजित होने वाले हमारे कैंपों में पहुंचकर निशुल्क अपने आंखों की जांच करवा सकते हैं तथा डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लेकर अपनी आंखों का रोगों से बचाव कर सकते हैं। गांव लोगों का अपार जन सहयोग दिखा है। उक्त मौके पर गांव निवासी कलावती निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर से संतुष्ट दिखी। अयोध्या फेको सेंटर के सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जो मरीज ऑपरेशन के योग्य पाए जा रहे हैं, उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अयोध्या फेको सेंटर ले जाकर निशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा तथा दवा भी वितरित की जाएगी। ऑपरेशन के बाद उन्हें घर तक छोड़ने की भी व्यवस्था है। लोगों को सलाह दी जाती है कि हर 6 माह पर अपनी आंखों की एक बार जांच अवश्य कराएं। निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में दीपू कोरी, पवन जितेंद्र, लाल जी वर्मा प्रधान ककराही, कर्मवीर अमरनाथ निषाद, रामबहाल, रिंकू वर्मा, अनिल कुमार प्रधान, लाल जी वर्मा, पवन कुमार के अलावा मौके पर कई ग्रामीण मौजूद रहे। ककराही में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में आप पधारे हैं, फूलचंद्र अयोध्या की खास रिपोर्ट। कितने मरीजों को आपने देखा होगा, क्या दिक्कतें हैं उनको? देखिए, अभी तक तो यहाँ ओपीडी चल रही है, मरीज देखे जा रहे हैं और अभी तक तो हम लोगों ने 50 के ऊपर देख चुके हैं और 200-225 मरीज बचे। सबसे ज्यादा किस रोग से पीड़ित मरीज आपको मिल रहे हैं? जितने बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग हैं हमारे, उनको जो है मोतियाबिंद की काफ़ी शिकायत है, तो उनको जो है यहाँ से मोतियाबिंद का जाँच हो रहा है। इसके बाद यहाँ से उनको हॉस्पिटल तक ले जाया जाएगा, वहाँ पे प्रत्यारोपण किया जाएगा, इसके बाद उनको कल सुबह यहाँ पे वापस कर दिया जाएगा। मोतियाबिंद किस कमियों से अधिकतर होता है? देखिए, मोतियाबिंद ऊपर वाले को डॉक्टर जो है उसका लेंस बनाए हैं, उसी से मोटर पहले क्या होता था, ना नाई वाले होता था, बिना लेंस का ऑपरेशन होता था। जब से लेंस जो है डेवलप हो गया, तब से जो है इसीलिए लेंस पड़ने लगा, तब जो मोटे ग्लास जो। ऐसे रोगियों को क्या सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ से? ऐसे रोगियों को हम सलाह ये देना चाहेंगे कि मोतियाबिंद जो है जल्द से जल्द ऑपरेशन करा देना चाहिए उसको। और मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी आपके आँख में प्रभावित कर सकता है। समझ पाइए, इसे एज का कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, इससे कोई मोतियाबिंद किसी भी एज में हो सकता है। ऐसा जरूरी है कि मोतियाबिंद बूढ़े बुजुर्ग के लिए है, मोतियाबिंद आज के समय छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहा है। अच्छा जी, शुभ नाम बता दीजिए। जी, मैं हरीश चंद्र निषाद, जिला पंचायत सदस्य हूँ तारुण द्वितीय का। आज अपने जिला पंचायत क्षेत्र में 8वां कैंप है और ककराही ग्राम पंचायत और नेतवारी चतुरपुर के मध्य में यह तुलसी नगर किराए पर आजमाए किया जा रहा है, जिसमें से 7-8 ग्राम पंचायतों के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सुबह लगभग 10 बजे से ही लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया गया है, जिसमें अभी तक लगभग 50 मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया है और डॉक्टर साहब अगर फोको सेंटर वाले चेकअप कर रहे हैं और चेकअप के अनुसार जिनको दवाइयों की आवश्यकता उनको दवाइयाँ दिया जा रही है और जो मोतियाबिंद से संबंधित मरीज हैं उनको फोको सेंटर ले जाने की तैयारी की जा रही है। और इस कैंप में यहाँ के प्रधान जी आदरणीय लालजी वर्मा जी और बगल के प्रधान आदरणीय पवन कुमार जी, जयलाल भारती जी और पवन निषाद जी, दीपू पुरी जी और यहाँ पर मेहलाल मामा अनुज कुमार, तमाम लोगों के सहयोग से यहाँ कैंप का आयोजन किया गया है। सबके सहयोग से यहाँ पर लोगों की सूचना दी गई है और सभी के सहयोग से जिस प्रकार से इससे पहले के पूर्वोत्तर के कैंप सफल किए गए थे, उसी प्रकार से यहाँ भी लगभग 200 से ऊपर मरीजों को देखने का प्लान बनाया गया है। और यहाँ पर लोग, हमने देखा कि मोतियाबिंद से पीड़ित काफ़ी लोग यहाँ पर आए और जिनके उपचार करके जो भी जाँच करके उसके बाद उनको अयोध्या फेको सेंटर के लिए परामर्श दी जा रही है। और मैं आप सबसे निवेदन यही करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जैसे जो भी आने वाले उस कैंप में आप
सभी लोग अपने से संबंधित जो भी आपके गांव के पास पड़ोस के लोग हैं उनको मोतियाबिंद की जांच करवाने के लिए कैंप में भेजें। निःशुल्क जांच की जा रही है, निःशुल्क रक्तदान किया जा रहा है और निःशुल्क आँखों का ऑपरेशन भी किया जाता है। इसमें मैं आपसे के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ सभी बंधुओं से, जो भी आने वाले कैंप हैं उसमें कैंप में जानकारी आपको दी जाएगी। उस कैंप में आकर के